हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट शेयर के ऊपर, हुडको शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के ऊपर, इस स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 6% का एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। और स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन के, स्टॉक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली आपको 60 के लेवल से फॉल कर रहा था। यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑलमोस्ट 59 का इस स्टॉक ने हाई लगाया था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा था। फाइनली यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो जो ट्रेंड लाइन था जिसके नीचे कंटिन्यूसली स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फाइनली वो ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे डाउन साइड में, स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 45-44 के लेवल पे। इस रेंज में स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम इस रेंज पे सपोर्ट लिया था, और वापस से स्टॉक सेम लेवल पे इस बार भी सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 48 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 48 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक यहां पे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे वापस से स्टॉक 55 और उसके बाद 60 का लेवल आपको टच कर सकता है। वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को स्टॉक में जो है एक अच्छा सेम लेवल पे लोअर साइड से एक अच्छा आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जो स्टॉक का जो क्लोजिंग होना चाहिए वीकली बेसिस पे, वो 48 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर 48 के लेवल के ऊपर होता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से 55-60 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इस बार स्टॉक यहाँ पे 60 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में 90 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में अगर आपने निवेश किया है, तो अभी आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहां पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए कल के सेशन का। 48 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, तो फिर आप यहां पे वापस से फ्रेश निवेश भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।